किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि सोयाबीन की फसल में आने वाला जो मोजैक वायरस रोग है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सारे किसान हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल पीली पड़ रही है या फिर सोयाबीन की फसल के ऊपर वायरस आ रहा है, उसके लिए उपाय बताएं। तो उसी के कारण हमने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना ना भूले। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर अपनी सोयाबीन की फसल के ऊपर मोजैक वायरस आता है, उसका प्रकोप होता है, तो उसके लक्षण हमें कैसे दिखाई देते हैं। आपकी सोयाबीन की फसल पीली पड़ जाएगी, अपनी जो बढ़वार है, ग्रोथ है पौधे की, वो रुक जाएगी। पत्तों के ऊपर होने वाला प्रकाश संश्लेषण भी काफी हद तक घट जाएगा। पौधों के ऊपर पोषक तत्वों की कमी दिखाई देगी। फसल में काफी कम मात्रा में फूल आते हैं। समय पर फलियां नहीं बनती है, इसलिए उपज में भी हमें काफी हद तक गिरावट दिखाई देती है। तो चलिए किसान भाइयों, ये थे लक्षण। अब जानते हैं कि आखिर हमें कौन से ठोस उपाय करने हैं। सबसे पहली बात, अच्छे यानी स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो वायरस के प्रति प्रतिरोधी हो। बुआई करते वक्त आप इसके ऊपर बीजोपचार भी कर सकते हो। दूसरी बात, समय पे बुआई करनी है। काफी किसान क्या करते हैं कि लेट बुआई करते हैं। जो किसान सही समय पे बुआई करते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनकी फसल पे वायरस का प्रकोप कम होता है। इसके बाद जो फसल प्रबंधन है वो भी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से और अभ्यास पूर्ण करना है, यानी जो खाद प्रबंधन है, कीट रोगों का प्रबंधन है, पानी प्रबंधन है, खरपतवार प्रबंधन है, इसके ऊपर हमें खास ध्यान देना है। शुरुआती अवस्था में यानी वायरस का प्रकोप कम होने पर हमें नीम ऑयल 10,000 ppm का लगभग 250 ml 150 लीटर पानी मिलाकर एक एकड़ फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। या फिर इसके अलावा आप एक दूसरा जैविक कीटनाशक बिवेरिया बेसिनिया लगभग 400 ml 150 लीटर पानी मिलाकर एक एकड़ फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, जब अपनी फसल के ऊपर रोग का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर देता है, तब हमें रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। इसमें आप धानुका कंपनी का धनप्रीत कीटनाशक लगभग 80 ग्राम 150 लीटर पानी मिलाकर एक एकड़ फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप बायर कंपनी का कॉन्फिडोर भी ले सकते हो, उपयोग की मात्रा है 100 ml। इसके अलावा आप UPL का उलाला भी ट्राई कर सकते हो, उपयोग की मात्रा है 80 ग्राम। या फिर कई सारे किसान जियोलाइफ कंपनी का नो वायरस भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग की मात्रा है 450 ml। ये सारी मात्राएं मैंने एक एकड़ के हिसाब से बताई है। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप शुरुआत से लेके आखिर तक अपनी फसल का प्रबंधन करते हो तो डेफिनेटली आपके पैसे भी बच जाएंगे और जो ये वायरस है वो सही समय पे आपको कंट्रोल में दिखाई देगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको अभी बताए, वो सारे प्रोडक्ट आप घर बैठे भारत एग्री ऐप से 100% कैश ऑन डिलीवरी और भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिए लिंक डाल रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और खुद चेक कीजिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।